हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू रिवीजन ऑफ लेसन नंबर 3 पैटर्न्स। आज हम लेसन नंबर 3 पैटर्न्स का रिवीजन करने वाले हैं। ओके, इन प्रीवियस पीरियड वी हैव डन रिवीजन ऑफ लेसन नंबर 2 ज्योमेट्री। ओके, एंड टुडे वी विल डू रिवीजन ऑफ लेसन नंबर 3 पैटर्न्स। ओके, सो लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल्स। ओके, इस लेसन को हमने अच्छे से ऑलरेडी पढ़ चुका है, बट आज हम इस लेसन का रिवीजन करेंगे। ओके, सो सी क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रूल एंड राइट द नेक्स्ट नंबर्स फॉर ईच पैटर्न। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें रूल को आइडेंटिफाई करना है एंड नेक्स्ट नंबर्स लिखना है। ओके, जो यहाँ पे ऑलरेडी नंबर्स दिए हुए हैं, वो उनका रूल क्या है, वो कितने डिस्टेंस पे दिए हुए है ना, उनके बीच का रिलेशन क्या है, वो फाइंड आउट करके हमें नेक्स्ट नंबर सेम रूल या सेम रिलेशन को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट नंबर्स लिखने हैं। ओके, ऑलरेडी जो यहाँ पे फोर, हर एक एग्जाम्पल में फोर फोर नंबर्स दिए हुए हैं। ओके, तो ये जो फोर नंबर्स दिए हुए हैं, इनके बीच का रिलेशन क्या है, इनके बीच का पैटर्न क्या है ना, या इनके अंदर किस रूल से ये नंबर्स अरेंज किए हुए, वो रूल, वो पैटर्न, वो रिलेशन हमें फाइंड आउट करके नेक्स्ट नंबर को सेम पैटर्न, सेम रूल, सेम रिलेशन को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट नंबर्स लिखने हैं। ओके, सो लेट्स सी एग्जांपल नंबर ए। फर्स्ट नंबर इज 50, then 25, then 35, then 45. So, ये जो four numbers हैं, 15, 25, 35, 45, इनके बीच का relation हमें find out करना है। सबसे पहले जो digit दिया हुआ है 50, उसके बाद में जो 25 दिया हुआ है, इन दोनों में क्या difference है? इसमें 10 number add हुआ है, 15 plus 10, 25. फिर आगे देखेंगे 25 and 35 में भी 10 नंबर प्लस किया हुआ है, एंड 35 एंड 45 में भी यहां 10 प्लस हुआ है। दिस क्या हो रहा है, ईच एंड एवरी स्टेप 10 इज एडेड, क्या हो रहा है, 10 ऐड किया जा रहा है, हर एक स्टेप में 10 10 ऐड किया जा रहा है। लाइक दिस 50 प्लस 10 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 10 45। सो हम आगे भी इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं ना, 45 प्लस 10 55 प्लस 10 क्या आएगा, 65 प्लस 10 75 एंड 75 प्लस 10 85। सो इस प्रकार से हमने ये जो रूल है इसको कंटिन्यू करते हुए 10 ऐड करते हुए हमने फोर नंबर्स लिख लिए। अंडरस्टूड? देन सी एग्जांपल नंबर बी। हियर 5 10 20 40। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, 10 सॉरी 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40। मींस यहां पे डबल करने के लिए क्या कर रहा है, किया जा रहा है 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है हर एक नंबर को। 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 टू जा 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 टू जा 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 2, 20 टू जा 40। सो 40 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 टू जा 80, देन 82 सर्स 160। हम सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 160 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 160 मल्टीप्लाई बाय 2 320, एंड 320 मल्टीप्लाई बाय 2 640। सो यहां पे हमें एग्जांपल नंबर बी में क्या करना है, हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20, सो एंड 20 मल्टीप्लाई बाय 40 2 40। सो ये फोर नंबर्स दिए हुए, इनके बीच का हमें रिलेशन पता चल गया, तो हम बाकी आगे के नंबर्स निकालने के लिए सेम रूल को कंटिन्यू करेंगे, सेम पैटर्न, सेम रिलेशन को कंटिन्यू करेंगे। ओके, देन सी एग्जांपल नंबर सी, 119 128 137 146।
Students, in example number C, 119, 128, 137, 146. Okay. यहाँ पे हम पहले जो फोर जो गिवन नंबर्स है उनके बीच का रिलेशन देख सकते हैं, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. सो देखिए 119 में कितना प्लस किया गया, तो 128 आया. ये हमें सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, और ये फाइंड आउट करने के लिए हम फिंगर्स काउंट कर सकते हैं. 119 के हो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 means 9. 9 numbers add किया जाए. 119 plus 9, 128. फिर 128 plus 9, 137. 137 plus 9, 146. So आगे भी हम plus 9 हर एक number में continue add करके continue कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रूल, यहाँ पे टू रूल्स है. तो फर्स्ट रूल क्या है कि हर एक नंबर में 9 ऐड करके नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट किया जा रहा है. तो पहले हम इस रूल से नंबर को कंटिन्यू कर लेते हैं. 146 प्लस 9, 55. 146 प्लस 9 क्या होगा, 155 प्लस 9 तो क्या आएगा आंसर, 164 प्लस 9, 173 प्लस 9, 182. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी में हमने क्या देखा, 119 में 9 ऐड हो रहा है तो 128 प्लस 9, 137, 137 प्लस 9, 146. फिर ये हमें इन गिवन नंबर्स का रिलेशन पता चल गया, तो हम आगे भी सेम यही रूल से कंटिन्यू करेंगे. 146 प्लस 9, 155, 155 प्लस 9, 164, एंड 164 प्लस 9, 173 प्लस 9, 182. सो दिस इज द फर्स्ट रूल. एंड सेकेंड रूल क्या है, आप देखेंगे जो गिवन फोर नंबर्स है सभी में हंड्रेड्स प्लेस में वन नंबर दिया हुआ है. हंड्रेड्स प्लेस में वन, हंड्रेड्स प्लेस में कौन सा नंबर दिया हुआ है, वन. तो आगे भी जो नंबर्स आएंगे उनमें भी हंड्रेड प्लेस में वन वन ही नंबर आएगा, ये हम फाइंड लिख सकते हैं पहले. फिर आप देखिए टेंस प्लेस, टेंस प्लेस में देखिए वन है, यहाँ पर टेंस प्लेस में टू है, ये थ्री है, ये फोर है. इट मीन्स टेंस प्लेस का नंबर वन वन से इंक्रीज होते जा रहा है, वन टू थ्री फोर. सो आगे हम कंटिन्यू करेंगे फाइव सिक्स सेवन एट. सो क्या किया हमने, टेंस प्लेस का नंबर जो है वन वन से इंक्रीज किया. फिर अब देखेंगे वंस प्लेस का नंबर में क्या चेंजेस हो रहे हैं. वंस प्लेस में नंबर नाइन है, यहाँ एट है, यहाँ सेवन है, सिक्स है. मीन्स क्या हो रहा है, वंस प्लेस में वन वन नंबर डिक्रीज होते जा रहा है, 9, 8, 7, 6. तो आगे 5, 4, 3, 2. तो इस प्रकार से हम दोनों में से कोई भी एक रूल का यूज करके एग्जाम्पल नंबर सी का जो पैटर्न है कंप्लीट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देन सी एग्जाम्पल नंबर डी. इन एग्जाम्पल नंबर डी यू कैन सी 1, 3, 7, 13. फर्स्ट नंबर है 1, देन 3, देन 7, देन 13. सो स्टूडेंट्स इनके बीच का रिलेशन, इनके बीच का पहले हम रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे. 1 एंड 2, 1 एंड 3 दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2. मींस प्लस 2 हो रहा है, 1 प्लस 2 3 हो रहा है. फिर 3 में कितना ऐड कर रहे हैं, तो 7 आता है, 4 5 6 7 4 किया जा रहा है, 3 प्लस 4 7. 7 में कितना प्लस किया जा रहा है, 13 बनाने के लिए 8 9 10 11 12 13 6 मींस 6. तो देखिए हर एक नंबर में क्या हो जा रहा है, 2 का टेबल ऐड किया जा रहा है, 1 प्लस 2
3 3 प्लस 4 7 7 प्लस 6 13। तो आगे 13 प्लस क्या करना पड़ेगा 8। 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 10 31, 31 प्लस 12, 31 प्लस 12 अब क्या आएगा 43। 43 में अब क्या ऐड करेंगे 40, 43 प्लस 40 57। ओके यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर डी में पहले प्लस 2 किया गया, प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, तो यहाँ पे हमने प्लस 10 किया, यहाँ प्लस 12 किया, यहाँ प्लस 14 किया। तो इस प्रकार से प्लस कर करके गिवन नंबर का रिलेशन या रूल फाइंड आउट करके आगे हमें कंटिन्यू करना है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो प्लीज नोट एग्जाम्पल नंबर ए बी सी डी इन योर नोटबुक। Now students, we will solve example number E. Here 64, 63, 61, 58. So ये जो four given numbers हैं, इनके बीच का हमें relation पहले find out करना है। तो देखेंगे कि numbers decrease होते जा रहे हैं, यहाँ का number decrease होते जा रहे हैं। 64, फिर 63, फिर 61, then 58. So decrease हो रहा है, means minus हो रहा है। तो first time कितना minus हो रहा है? 64 minus 1. 64 माइनस 1 63। 63 में से कितना माइनस हो रहा है? माइनस 2 हो रहा है तभी 61 आ रहा है। ओके, 61 में से कितने माइनस हो रहा है? 3 माइनस हो रहा है। 61 माइनस 3 58। सो यहां पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? फर्स्ट नंबर में माइनस 1 हो रहा है, सेकंड नंबर में माइनस 2, थर्ड नंबर में माइनस 3। तो अब आगे क्या होगा? माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6 एंड माइनस 7। इस प्रकार से माइनस करते करते हमें आंसर्स फाइंड आउट करना है। सो 58 माइनस 4 54, 54 माइनस 5 49, 49 माइनस 6 43 एंड 43 माइनस 7 36, 43 माइनस 7 36। See students, in example number E, सबसे पहले नंबर में माइनस 1 किया गया, फिर माइनस 2 किया गया, माइनस 3 किया गया, माइनस 4, फिर हमें माइनस इसी को कंटिन्यू करना है। माइनस 3 हुआ है, माइनस 4 होगा, फिर बाद में माइनस 5, माइनस 6 एंड माइनस 7 होगा। तो देखिए फिर जो नेक्स्ट नंबर 58 है, 58 में से 4 माइनस किए तो 54 आंसर आएगा। 54 में से जब 5 माइनस करेंगे सो 49 आंसर आएगा। 49 में से 6 माइनस करेंगे तो 43, 43 में से 7 माइनस करेंगे तो फिर आंसर क्या आएगा 36। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव रिवाइज टुडे। ओके, बाय।